नमस्कार, टेक वन देख रहा है, मैं हूं रोहित शर्मा। कुछ दिन पहले मौत की तरफ से गाइडलाइन जो है वो जारी की गई थी रिक्शा को लेकर, जिसमें क्लॉसेज जो है वो रिक्शा के फाइनल कर दिए गए थे, जिसके चलते आरटीओ जम्मू पंकज बगोत्रा जी ने क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। अब उसके बारे में ये है कि ई रिक्शा चलाने वालों को जो है ई रिक्शा लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले वो अप्लाई करें हमारे पोर्टल पे, लर्नर लाइसेंस मिलेगा उनको 6 महीने के लिए, फिर 1 महीने के बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट लाइसेंस के लिए। लेकिन वो है ही, क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे मोटरसाइकिल विद गियर, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, LMV, अलग अलग क्लास होती है गाड़ी चलाने वाले लाइसेंस, ऐसे ई रिक्शा और ई कार्ट एक अलग क्लास है। इसलिए उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि वो जो है लाइसेंस के लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। समय कब तक का निर्धारित किया है, कब तक उनको जो समय? देखिए, जो पुराने वाले हैं जो ऑलरेडी चला रहे हैं उनके लिए ये था कि उनको 30 अप्रैल तक उन्होंने जो है लर्नर लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी या 30 अप्रैल तक अगर डॉक्यूमेंटेशन जमा नहीं होती, अप्लाई नहीं करते हैं और विदाउट अप्लाई रिसिप्ट के या विदाउट डॉक्यूमेंट्स के अगर सड़क पर पाए जाते हैं तो बिल्कुल उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए टाइम दिया गया है कि पहले कि जो पुराने वाले जो चला रहे हैं उनको टाइम मिल जाए, और 30 अप्रैल तक जो है अभी कोई 3.5 महीने का टाइम पड़ा है, तो उनसे यही है कि वो अपना जो है लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। और लाइसेंस के बारे में मैं एक बात बताऊंगा, लर्नर लाइसेंस अगर आज आप आज अप्लाई करते हो तो 2 दिन के बाद आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाता है। डीलर्स के लिए भी कोई गाइडलाइन है सर? डीलर्स के लिए गाइडलाइन है कि डीलर्स भी जो है 10 दिन की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि ये मौत की एक नोटिफिकेशन है 2021 की, कि जिसमें जो है डीलर्स ने भी पहले ई रिक्शा बेचने से पहले उनको 10 दिन की ट्रेनिंग वहां पे देनी है। रिक्शा को लेकर जो गाइडलाइन अभी निकली है वो देखिए, आपने 30 अप्रैल तक का टाइम है, 6 महीने का लर्निंग लाइसेंस आपने अप्लाई करना है, नहीं करोगे चलान होगा, कैसे देखते हो गाइडलाइन? ये गाइडलाइन तो ठीक बताई गई है, और वैसे हम तो लाइसेंस लेके चलते हैं, हमारे पास लाइसेंस भी है। अब जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको तो देखना चाहिए। आपको लगता है मतलब ठीक है ये गाइडलाइन? क्योंकि सही है, सही किया है। काफ़ी सारे लोग हैं जो विदाउट लाइसेंस के, फ्रेशर लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं। नहीं देखो, कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा अगर होता है, अगर लाइसेंस ना हो तो खुद पे दिक्कत आ जाएगी ना, लाइसेंस ज़रूरी है। अगर लाइसेंस नहीं है तो खुद को परेशानी हो जाएगी, अगर कुछ हादसा हो जाता है खुद को लगती है, किसी को लगती है। अब पैसेंजर गाड़ी है तो वो तो सोच के चलना पड़ेगा, लाइसेंस तो ज़रूरी है। नहीं, गाइडलाइन अच्छी निकाली है, सबका फ़ायदा है इसमें। आपने देखा होगा काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बीच में चला रहे हैं कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, खुदा ना करे कि ऐसा कोई काम हो जाए, लग जाए गाड़ी, उस बच्चे को भी, मालिक को भी जिसने रिक्शा दिया है, कि दोनों के लिए ARTO ने अच्छा निकाला है कि 2 दिन में ही अगर लाइसेंस अप्लाई करते हैं 2 दिन में ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छी गाइडलाइन है, अच्छी गवर्नमेंट है, जो भी है सब कुछ ठीक है। जम्मू की सड़कों पर आजकल ई रिक्शा दौड़ते आप सबको नजर आते हैं, काफ़ी फ़ायदा जो है इससे वो सवारियों को ज़रूर पहुंचा है, क्योंकि काफ़ी सस्ते दामों में जो है सवारी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस और क्लॉसेस जो है वो इसके लिए तय नहीं की गई थी, जिसको अब मौत की बात करें तो उसकी तरफ से गाइडलाइन आ गई है, और अब तमाम ई रिक्शाज़ को 30 अप्रैल तक का टाइम दे दिया गया है, जो इनके राइडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कि 30 अप्रैल तक जो है आपको लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना है, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने रहेगी, और यदि 30 अप्रैल तक आप उस गाइडलाइन में फॉल नहीं करते, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं होता, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ तमाम उन डीलर्स के लिए भी गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। जैसे आपने सुना कि RTO जम्मू पंकज बगोत्रा जी ने बताया कि 10 दिन की ट्रेनिंग जो है तमाम उन डीलर्स को भी जो है वो उन ई रिक्शा के ड्राइवर को देनी पड़ेगी, मालिकों को देनी पड़ेगी, जो ई रिक्शा खरीद रहे हैं शोरूम से और जो कि जम्मू की सड़कों पर सवारियों को लेकर जो उनकी मंजिल तक पहुँचाने वाले हैं, उनके लिए स्पेशल गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। तो इसी के साथ साथ तमाम वो ड्राइवर जो इस वक्त लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं वो भी इस बात से काफ़ी संतुष्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फ्रेशर्स, छोटे बच्चे तक जो है अंडर 18 जो है वो लोग भी जो है रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन और अच्छा इनिशिएटिव जो है वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा जो है रिक्शाज़ को लेकर लिया गया है। बाकी भी तमाम अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए मैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाले के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।